पर नूर हो गए नहीं मन में। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई बातों का ये हम कहते हैं जिब्रील जिब्रील की आंखों से पूछो ऐ चश्मे हकीकत भी कह दो सुभान अल्लाह। तूने फर्श पर तूने क्या देखा सिदरे से बड़े तो क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिदरे से बड़े तो क्या बात सुभान अल्लाह। महराज की शब हमला है सब सिदरा आया वो ही नारा सिदरे से बड़े जिब्रील रहे तना है जो अर्श उनकी नबूवत कुछ पीरियड के लिए थी इसलिए उनके मसाइल का हल उस वक्त के मसाइल का हल करना था। लेकिन सरकारी मामला सबसा अपनी बेसत से लेकर के कयामत कयामत तक लगातार नबी रसूल है और कयामत कयामत के बाद फिर रसूल है और जन्नत में जाके फिर रसूल है। ऐसी हालत में चाहिए था कि सब पर सरकार की बरकरी हर दौर में साबित करने के लिए हमारे पास मटीरियल हो। इससे क्या फायदा कोई एग्रीकल्चर को फायदा पहुंचा मेरा शरीफ से कोई इकोनॉमी को फायदा पहुंचा कोई डिफेंस को फायदा पहुंचा। नबूवत एक अमरे इत्तकादी है ये मटेरियलिस्टिक मैटर नहीं है मादे से ताल्लुक रखने वाली चीज नहीं है। अकीदे की सेहत के लिए जो कुछ चाहिए था उस वक्त ही मुहैया किया। अब बाद में आने वाले लोग ये दावा करें कि हम आसमान पर गए हैं पर आसमान पर जाने के दावेदार को हम गए लेकर लाएंगे क्या सुभान अल्लाह क्या सुभान अल्लाह। मैं गया हूं लेकिन जो ये महराज नूरानी की जब हुई आगे मोहम्मदियत की महराज हकीकत हक्का मोहम्मदिया की महराज है। इन पिछली दो महराजों के तो गवाह हैं जो हिजरी है महराज उसके बशर भी गवाह हैं बाकी अंबिया और मुरसलीन अलैहि वसल्लम भी गवाह हैं। आसमानों पर जो महराज हुई है उसका कौन गवाह है क्या मतलब निकला कि कयामत आ जाएगी तो सिद्धा से आगे कोई नहीं जाएगा तब नीचे नीचे रह जाएंगे इसलिए भी आसानी से निकल आएगा कि अगर मेरे जैसा कोई होता तो उससे आगे भी जाता अगर जिब्रील नहीं जा सकता फिर कोई भी नहीं जा सकता नहीं जा सका फिर कोई भी नहीं जा सका नहीं जा सकता। इसका मतलब कयामत तक मैं अकेला ही नबी हूँ अगर मेरे बराबर का कोई और होता तो इससे आगे भी गया होता कभी इससे आसमानों की सैर से शान कभी की होती सुभान अल्लाह। चूंकि वक्त सदा मजीद हो मेरे पास कुछ पैसे बमी में सुनी चार कौंसल के तेरे हूँ पाकिस्तान में आई है शुक्र की बिलखसूस हजरत सब रहमतुल्लाह के दरबार पर दबाव से पहले होने वाले सूरत हाल के पेश नजर एक काम पर तो मुकाम अमीर बिन सेंटर बल्लीम बरोज इतवार तौर पर तारीख 18 जुलाई मुनद की जा रही है। तमाम मुसलमान आले सुन से भरपूर शिरकत की दरख्वास्त है। इसका एहतमाम सैयद मनूर हुसैन शफा जमाती फरमा रहे हैं और हमने पूरे अपने मुल्क में अपने तमाम दोस्तों से भरपूर शिरकत की दरख्वास्त की है। आपकी सिलसिले की फायर क्योंकि दादा दरबार पर उनकी दहशतगर्दी हुई है पूरे हिंदुस्तान में इस पाए का दूसरा कोई अफसान क्योंकि सबसे सुपीर आदमी ख्वाजा वली सुल्तान हिंद सरदार जिन्होंने हिंदुस्तान में 90 लाख काफिरों को कई मारा है। लेकिन उन्होंने शायद दादा दरबार से फैज आलम मजहरे पूरे खुदा नागसारा पीरे कामिल कामिल अदा का तो मान ये ख्वाजा वली नवाज का लगा है मुसलमान है और वो अजम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं और वो अजम खुदा की पूरी जमीन पर हमारी तहकीक है। 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने का काम अगर किया तो पहले बनी सुभान अल्लाह तो उन्होंने ये फैल का हासिल किया है। दादा साहब सैयद हजवेर मखदूम में उन्होंने मरकदे को पीर संजर दादा सुभान अल्लाह दादा साहब राम तो रहे दरबार को अल्लामा इकबाल ने कहा है ये पीर संजर का हरम है। सुभान अल्लाह ये बैठ के उन्होंने चला सुभान अल्लाह
उस जगह अगर धमाके किए गए हैं तो आप ये जरूर समझें कि ये आल सुन्नत में से कोई आल की दहशतगर्दी नहीं है पूरी हुई जमीन पर। ये वो लोग हैं जो नबी को कहते हैं हमारे जैसा है, हम आज से 60 वर्ष पहले, मुझे 60 वर्ष हुए थे, मैंने सन 50 में पहली मरतबा पढ़ाना भी शुरू किया उस सबसे बैठ और बाजाबा तौर पर खतीब के तौर पर काम शुरू किया है। दाढ़ी मुद्दे कई साल बाद आई है, लेकिन हम लोगों को ये बावर कराते रहे कि जिनका अकीदा गलत है वो कौम के वफादार कभी नहीं हो सकते। जैसे एक दुकान पर काम करता कहते पीछे का रेफरेंस लाओ, जिससे पहले ताल्लुक है उनके साथ तुम्हारा कैसा ताल्लुक है, कैसा बर्ताव है, तुम्हारा डायरेक्टर कैसा है। अगर खोटा निकले तो नया दुकानदार उसको भर्ती नहीं करती। अल्लाह हुक्म किया इसी तरीके से लड़कियां जब शादी करती हैं, लड़के जब शादी करते हैं माँ बाप से बागी होते हैं, उनसे पहले रेफरेंस क्यों नहीं मांगती हो कि जिनके घर पैदा हुई हो उनके साथ तुम्हारा कैसा बिहेवियर है। तू जिस बाप के घर पैदा हुआ उनके साथ तुमने वफा की है। अगर वो अपने बाप का करदार है, माँ का करदार है, लड़की बाप की करदार है, माँ की करदार है, उसके साथ शादी करने का क्या नतीजा है। इसी बुनियाद पर जिसने रसूल का कलिमा पढ़ा, रसूल का तो वफादार नहीं, वो आपका वफादार है। जिन्होंने कहा था हम पहले हिंदुस्तानी हैं पीछे मुसलमान हैं, अब आपने अखबार दिया कि शुक्र है पाकिस्तान बनाने के गुना में हम शरीक नहीं थे। जिनके नजदीक पाकिस्तान का बनाना गुना है उनके नजदीक पाकिस्तान का बाकी रहना भी गुना है। वो पाकिस्तान को मिटाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस दहशतगर्दी का जवाब आपको अपने दीन और ईमान की बका के लिए भी जरूरी है और अपने वतन के बका के लिए भी जरूरी है। अगर मैं पाकिस्तान या इंग्लैंड के सिवा कोई जगह ना देखी होती तो फिर ये कहना खासा पेचीदा होता। मैं 84 मुल्कों में गया हूँ, रुए जमीन पर जहाँ 10 घर भी मुसलमानों के, मैं वहाँ गया हूँ। लेकिन जिस इज्जत और शान और बसीरत के साथ पाकिस्तान में दीन जिंदा है, इस गई गुजरी हालत में भी उसकी मिसाल पूरी रुए जमीन पर कहीं मिलती है। पूरी रुए जमीन के इस्लामी ममालिक जो हैं वो किसी कबीले के नाम पर बने हैं, किसी बोली के नाम पर बने हैं, दीन के नाम पर अगर पूरी हुए जमीन पर कोई मुल्क है वो सिर्फ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिस्र पे कोई इलाज होता है उठो फिरौन के बेटो, ये तस्लीम नहीं करते का मुसलमान है। बात करते कि आल मौलक अरबिया तो सऊदिया, यानी उसको इस्लामिया नहीं कहते, उसको अरबिया तो सऊदिया कहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें उसकी बुनियाद ही इस्लाम पर रखी गई थी, तो आपको उसके बचाने के लिए मकदूर पर कोशिश करना ये आपकी ईमानी ड्यूटी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि 18 तारीख को आप उसमें जरूर छिड़ जाए। मैं जिनके हिस्से में वहाँ हाई वेक में हजरत पीर जगह जमनी वाली सरकार का सालाना उर्स है, मियाँ साहब अल फैक्ट्री का सालाना उर्स है, वो हर साल जुलाई में मेरी 32 दिन मुकर करते हैं। तो ये 18 तारीख उन्होंने एतवार का मुकर किया था, इन दोस्तों ने बाद में कन्वेंशन का ऐलान किया है, इसलिए मैं उसको कैंसिल नहीं कर सका। वहाँ पर पहले जाऊँगा अल्लाह को अगर मंजूर है फिर उससे फारिग होकर के मैं इंशाल्लाह पहुँचूँ। और अल्लाह को मंजूर है जो मौत बार में कर गई, हर हाल जिंदगी आप हजरात भी उसमें पहुँचने की कोशिश करवाए। नंबर 16 में एक इम्तियाज ये भी है, सरकार का कलमा पड़ा तो काफ़ी मजबूत बंदे पकड़ पकड़ के सरकार की बाधा में, ये सरकारी वाले साहब के मिशन के लिए जो काम किया है उससे भी कोई इज्जत मिली है। दारू के काम के लिए जो आप मिशन समझ के काम करते हैं, जैसे मौलाना असद साहब के वो 20 पाउंड ही हैं, लेकिन कई जिक्र तो किया है, कुछ नहीं किया है, इसलिए सब हजार उसके लिए काम